नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के संचयन पुस्तक से आखिरी जो हमारा पाठ है, लेसन है, वो आखिरी पाठ का नाम है टोपी शुक्ला और पाठ के लेखक है राही मासूम रजा। इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों? राही मासूम रजा। और हमारा ये अंतिम पाठ है संचयन के अंतर्गत, पाठ का नाम क्या है? टोपी शुक्ला। क्या है नाम? टोपी शुक्ला। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे जो पुस्तक के अंतिम भाग में दिया गया है। राही मासूम रजा, 1927-1992 तक का समय इनका। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद इन्होंने कुछ साल तक वही अध्यापन कार्य किया। फिर वे मुंबई चले गए जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा स्क्रीन प्ले या स्टोरी, संवाद, डायलॉग्स और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने इन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। तो ध्यान रखिए, 90 के समय में, 1990s के समय में जो एक तरह से बीआर चोपड़ा के द्वारा प्रसारित महाभारत जो सीरियल आता था दूरदर्शन चैनल पर, उसकी जो पटकथा स्टोरी या स्क्रीन प्ले डायलॉग जो भी थे वो किन्होंने लिखे थे बच्चों? राही मासूम रजा जी ने लिखे थे, ध्यान रखिए। तो इसी से कारण इनको जो है एक तरह से पॉपुलैरिटी मिली थी। राही मासूम राजा एक ऐसे रजा, ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख, दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। इन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया। राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां हैं, पुस्तकों के नाम, आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जैनपुरी, जौनपुरी, कटरा कटरा भी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, सभी हिंदी उपन्यास, मोहब्बत के सिवा उर्दू उपन्यास, मैं एक फेरी वाला कविता संग्रह, नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविता संग्रह है। 1857 हिंदी उर्दू महाकाव्य है और छोटे आदमी की बड़ी कहानी जीवनी है ये। राही का निधन, निधन मतलब मृत्यु, डेथ जो है एक तरह से 15 मार्च 1992 को हुआ। तो इस प्रकार बच्चों इन्होंने अनेकों मतलब हिंदी के क्षेत्र में, उर्दू के साथ साथ हिंदी फील्ड में भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अब ये टोपी शुक्ला जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम, ये उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का एक उपन्यास, उपन्यास मतलब नॉवेल है, एक बहुत बड़ा नॉवेल है। वो नॉवेल का ही कुछ पाठ जो है, कुछ अंश आपको पढ़ाई के लिए संचयन पाठ में रखा, संचयन पुस्तक में रखा गया है। तो ये टोपी शुक्ला जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इधर पाठ मतलब नॉवेल का जो एक पाठ है, और उस नॉवेल को किसने लिखा है? राही मासूम रजा जी ने लिखा है। समझ में आ रही बात ना बेटो? तो नॉवेल का ही छोटा सा मतलब सम लिटिल बिट पार्ट आप लोगों को पढ़ाई के लिए रखा गया है। तो अब हम पाठ पर आते हैं बच्चों। तो पेज नंबर 32, टोपी शुक्ला, लेसन पर आ रहे बच्चों। टोपी शुक्ला, इफन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफन टोपी का पहला दोस्त था। इस इफन को टोपी ने सदा इफन कहा। इफन ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफन पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं।
तो लेखक हमारे बता रहे हैं टोपी शुक्ला पाठ की शुरुआत में ही, इफन के बारे में जान लेना इसलिए ज़रूरी है, टू नो अबाउट द इफन। वाई? बिकॉज इफन, इफन जो है टोपी शुक्ला का फर्स्ट फ्रेंड था, पहला दोस्त, दोस्त मतलब फ्रेंड था। इस इफन को टोपी ने सदा इफन कहा, मतलब उर्दू का वर्ड है इफन, लेकिन इसको हमेशा इफन इफन कहता था। कौन कहता था ये? टोपी कहता था। टोपी डिड नॉट प्रोनाउंस करेक्टली द वर्ड इफन, ध्यान रखिए। फिर भी बट इफन ने इस मतलब जो है करेक्ट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के लिए उसे कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन वह टोपी के द्वारा बोले गए, स्पीक किए गए ये इफन शब्द को वो इफन शब्द में भी आनंद लेता था। ही फील हैप्पी, तो बोलते रहा, इसी में उसकी बड़ाई थी, वो अप्रिशिएट मतलब एक तरह से प्रेजिंग हो रहा है मेरे लिए कहकर सोचता था। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है, नेम्स का जो एक तरह से गड़बड़ी होती है, ये भी जो है एक तरह से डिफरेंट है कहकर लेखक बता रहे हैं। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, तो मतलब हिंदी और उर्दू कहाँ से जन्मी है? वेर इज फ्रॉम कम? हिंदवी से आई हुई है। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे, नेम चेंज करने से व्हाट इज द मीनिंग, यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, जैसे नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, अगर नाम कृष्ण हो, ठीक है ना, कृष्ण हो तो उसे अवतार मतलब एक तरह से गॉड माना जाता है, और मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर, पैगंबर मतलब एक तरह से प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जो मैसेंजर होता है गॉड का मैसेंजर, उसे हम पैगंबर कहते हैं। तो मोहम्मद कहने से पैगंबर का मीनिंग निकलता है, प्रॉफिट का मीनिंग निकलता है, और कृष्ण कहने पर जो है किसका मीनिंग निकलता है? गॉड का मीनिंग निकलता है। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल गए कि ओके ना, तो इनसे मतलब ये नाम के झंझट में या नाम के प्रॉब्लम्स में पढ़कर लोग फॉरगेट दिस थिंग, व्हाट दे थिंग, कि दोनों ही, चाहे श्री कृष्ण हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या मोहम्मद पैगंबर हो, दोनों ने क्या किया था? दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, मिल्क देने वाले जो है वो एनिमल्स को क्या करते थे, एक तरह से वो लोग हाँ पालते थे, उनको चराया करते थे, जंगलों में जो है वो चराने के लिए लेके जाते थे। दोनों ही पशुपति थे, ठीक है ना, पशुओं को पालने वाले, गोबरधन और ब्रज कुमार थे, ठीक है ना, गोबर मतलब जो गाय बैलों का जो भी आता है उसे गोबरधन, और ब्रज कुमार, ब्रज एक तरह से जो है मथुरा वगैरह एरिया, मथुरा का जो एरिया है उसे ब्रज कहते हैं, और वहाँ पर आने वाले, वहाँ पर जो है एक तरह से पैदा हुए लोगों को हम एक तरह से ब्रज कुमार कहते हैं। इसलिए तो कहता हूँ कि, या फिर ब्रज कुमार हम इसलिए कहेंगे कि गाय बैल जो कि जो गाय बैलों को जो पालते हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिक एनिमल दैट, विच वन दैट, एक गाय बैल या बकरिया है ना, बकरिया गोट शिप, उनको जो पालते हैं उन्हें हम ब्रज कुमार या गोबर्धन या क्या कहते हैं, पशुपति कहते हैं। तो दोनों का मतलब नाम अलग अलग है, एक का नाम पैगम मोहम्मद है, दूसरे का नाम श्री कृष्ण है, बट बोथ आर व्हाट आर दे डूइंग द सेम वर्क। तो इसमें हमें अलग डिफरेंस करने की क्या ज़रूरत है कहकर लेखक हमें बता रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफन और इफन के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। दैट्स वाई इफन के बिना, विदाउट इफन टोपी का कोई महत्व इम्पॉर्टेंट नहीं है, और टोपी के विदाउट टोपी इफन का भी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दोनों के बिना मतलब एक दूसरे को अलग करना, मतलब ये जो है आधे अधूरी कहानी होगी। इसलिए इफन के घर चलना जरूरी है, दैट्स वाई वी गोइंग टू इफन होम। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में, ओके ना, हमें क्या देखना है, क्या 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 ऑब्जर्व करना है, एक तरह से उसके सोल में कैसी हवा है, विथ टाइप ऑफ एयर मतलब गोइंग ऑन, और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फले, तो उसके घर में किस प्रकार का जो है एक तरह से एटमॉस्फियर है इस पर, और परंपराएं मतलब जो है ट्रेडिशन या कल्चर किस प्रकार का ट्रेडिशन है, ये हमें देखना जरूरी है कहकर लेखक यहाँ पर हमें टोपी शुक्ला के इंट्रोडक्शन में ये जानकारी दे रहे हैं। तो क्या जानकारी दे रहे हैं कि इफन टोपी का क्या था? पहला मित्र था, ये ध्यान रखिए।
टोपी ने कभी भी इफन शब्द का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं किया, बट इफन उस बात को बुरा मानता था, लेकिन उसने कभी भी जो है इसको माइंड में नहीं लिया, ठीक है ना। टेक इट इज ईजी, दैट्स वाई क्या हो गया, वह टोपी का अच्छा मित्र बन गया। लेकिन नाम में क्या रखा है, ठीक है ना, ऑथर व्हाट दे सेइंग, नेम में क्या रखा हुआ है, ठीक है ना। नेम तो अलग अलग मीनिंग देते हैं, बट वर्क, हमारा वर्क क्या है ना, व्हाट इज वी आर डूइंग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल के लेखक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है लेखक ने हमारे लिए। व्हाट ही गिवन द एग्जाम्पल, श्री कृष्णा का, और जो है किसका दिया है, मोहम्मद पैगंबर का। दोनों के नाम अलग अलग है, दोनों एक हिंदू धर्म से संबंधित है तो दूसरा जो है मुसलमान धर्म से संबंधित है, लेकिन दोनों ने भी क्या किया था, पशुओं की रक्षा की थी, पशुओं का पालन पोषण करते थे, है या नहीं। हाँ, तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पर नाम कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लेखक बता रहे कि इफन के बिना टोपी और टोपी के बिना इफन, ये कहानी अधूरी रह जाएगी, हाफ हो जाएगी ये स्टोरी या ये नॉवल जो है, उनके बिना हाफ रह जाएगी, ठीक है, कंप्लीट इनकम्प्लीट रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले लेखक कह रहे हैं कि हम इफन के घर चलते हैं, मतलब इफन के बारे में यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इफन, हु इज इफन, ओके ना, व्हाट इज मतलब उनके फैमिली कंडीशंस क्या थे, ओके ना, ट्रेडिशन वहाँ पर क्या है, ओके ना, जो उनके फैमिली का या उनके जो है एक तरह से होम का एटमॉस्फियर क्या है, उसके बारे में फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन लेंगे कहकर लेखक हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ये जानकारी दे रहे। बच्चों, तो समझ में आया होगा आपको कि टोपी शुक्ला में हमें दो कैरेक्टर बाहर आए हैं, एक कौन कौन सा आया बच्चों, एक टोपी शुक्ला और दूसरा क्या है, इफन। अब आगे, इफन की कहानी भी बहुत लंबी है, ओके, तो क्या बता रहे लेखक, इफन की स्टोरी वेरी लॉन्ग है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, बट वी आर, है ना, हम किसकी कहानी सुन रहे हैं, टोपी की कहानी सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। दैट्स व्हाई वो लेखक कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द होल स्टोरी अबाउट इफन, बट लिटिल बिट जो टोपी के लिए, टोपी की कहानी के लिए जो आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है ना, उतनी ही स्टोरी में बताऊंगा कहकर लेखक हमें बता रहे। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। Why I want to say, लेखक बता रहे हो, why I want to say about इफन, बिकॉज होल स्टोरी में कहीं ना कहीं पर, ओके ना, एवरी टाइम एवरी प्लेसेस जो है इफन वर्ड, इफन शब्द यू हर्ड, दैट्स वाई मुझे इफन के बारे में जानकारी देना, मतलब मैं जरूरी इम्पोर्टेंट समझता हूँ कहकर लेखक हमें बता रहे। तो देखो, न टोपी इफन की परछाई है और न इफन टोपी की, परछाई मतलब शैडो, न टोपी इफन की, इफन का शैडो है, न इफन टोपी का शैडो है, ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति है, बोथ आर इंडिपेंडेंट पर्सन्स। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है, इन दोनों पर्सन्स का जो डेवलपमेंट हुआ है डिफरेंट और जो है इंडिपेंडेंटली जो है डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग जगह पर। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली है, हाँ, बोथ ऑफ गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फैमिली या जो है हाउस एटमॉस्फियर या परंपराएं, मतलब ट्रेडिशंस का जो होता है ट्रेडिशन मिली है। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, इन दोनों ने जो है लाइफ के बारे में जो है थिंक इनकी दोनों की डिफरेंट है, फिर भी इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। बट इफन टोपी की कहानी का, स्टोरी ऑफ टोपी का अटूट अनब्रोकेबल जो है क्या है, पार्ट है, इसको हम अलग डिफरेंट नहीं कर सकते। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, दैट क्या कह रहे हैं कि यह टोपी की कहानी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कौन, इफन। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि
कि इफन कौन है और टोपी कौन है। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, यहाँ तक आपको पता चला। और इफन शब्द सुनते ही आपको समझ में आ रहा है ये किस संप्रदाय से संबंध रखता हो, और टोपी शुक्ला, शुक्ला कहते हैं किस संप्रदाय या किस जाति से यह वर्ड बिलोंग करता है। हाँ, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 33 पर। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कि आई एम नॉट सेइंग द हिंदू मुस्लिम और बोथ आर ब्रदर्स, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ, हाँ मैं यह बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी मतलब फुलिशनेस में क्यों कहूँ। क्या मैं रोज़ अपने बड़े भाई, बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग द स्टोरी अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर भाई भाई ब्रदर्स है। मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करूँ, फुलिशनेस में क्यों करूँ, ठीक है ना। क्या मैं अपने बड़े भाई या छोटे भाई को, भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई है। आई एम नेवर से टू माय एल्डर ब्रदर और स्मॉलर ब्रदर यू आर माय ब्रदर, ओके ना। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं, क्या इफ आई एम नॉट सेइंग क्या आप कहते हैं। हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की ज़रूरत नहीं। हिंदू एंड मुसलमान बोथ आर ब्रदर्स, वाई यू वांट टू से अगेन वी बोथ आर भाई भाई। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इफ़ नॉट व्हाट विल हैपन, नथिंग विल हैपन। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन तो जो है मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं तो एक कथाकार हूँ, लेखक कह रहे हैं आई एम स्टोरी राइटर, आई एम वन ऑफ द स्टोरी राइटर, और कथा सुना रहा हूँ, आई एम टेलिंग स्टोरी। मैं टोपी और इफन की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोपी और इफन की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र है, ठीक है ना। दे इस बोथ आर द टू कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी टोपी शुक्ला। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। तो देखिए टोपी शुक्ला का पूरा नाम क्या है, बलभद्र नारायण शुक्ला, और इफन का नाम क्या है, इफन का नाम बताया जा रहा है बच्चों सैयद जरगाम मुर्तुजा। तो एक टोपी, एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफन, मतलब यहाँ पर बलभद्र नारायण शुक्ला को क्या क्या नाम दिया गया, टोपी, और यहाँ पर फिर आप लोगों को सैयद जरगाम मुर्तुजा को नाम क्या दिया गया, इफन। इफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, प्रेस्ट, ठीक है ना। प्रेस्ट मतलब जानते ही आप लोग, एक तरह से मस्जिद में कुरान वगैरह आदि का जो है एक तरह से पाठ करते हैं, ठीक है, उन्हें प्रेस्ट कहते हैं। तो इफन के दादा, दादा मतलब जानते हैं ग्रैंडफादर, परदादा मतलब फोर फादर्स, बहुत प्रसिद्ध पॉपुलर मौलवी थे, मौलवी का मतलब प्रेस थे, काफिरों के देश में पैदा हुए थे। काफिर का मतलब है दोज हु आर नॉट बिलीव टू गॉड, ओके, उसे काफिर कहा जाता है, उस देश में पैदा हुए थे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बताने की बात एक मुख्य है कि काफिरों का देश मतलब हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए कहा गया है। काफिरों के देश में मरे, हिंदुस्तान में ही मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश कर्बला ले जाई जाए। वसीयत मतलब मरने से पहले, बिफोर डेथ विल बनाई जाती, उस विल में उन्होंने क्या लिखा कि आफ्टर माय डेथ मेरी जो डेड बॉडी है वो कहाँ ले जाए जाए, कर्बला, कर्बला इज अ होली प्लेस ऑफ मुस्लिम, ओके ना, वहाँ ले जाकर जो है उन्हें दफनाया जाए, ओके। तो उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली, उनके सोल ने जो है, उनके सोल ने मरने के बाद उनके सोल ने जो है एक सांस भी, मतलब एक ब्रीथ भी जो इस देश में नहीं ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इफन, इफन का बाप हुआ। तो उनके फैमिली में फर्स्ट हुआ द इंडियन हुज दैट इफन के पिता, फादर हुए। जब इफन के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश कर्बला ले जाए जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में,
कब्रिस्तान जानते हैं आप लोग, मरने के बाद जो दफनाया जाता है, ठीक है। तो इफन के पिता जब मरे तब उनके पिता का नाम क्या है, यहाँ पर सैयद मुर्तुजा। उन्होंने विल में ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है ना, कि आफ्टर माय डेथ मुझे जो है करबला या होली प्लेस में जो है दफनाया जाए। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में उनका बर्थ हुआ था, इसलिए वो अपने आप को इंडियन मानते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया में ही अपने आप को दफनाने की बात कही। इफन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। इफन की परदादी, ठीक है ना, परदादी मतलब फोर मदर, वो भी जो है क्या है, एक तरह से बड़ी नमाजी। नमाजी मतलब जानते हैं वो प्रे, जो मुसलमान जो प्रेयर करते हैं 5 times का, उसे जो है नमाजी कहते हैं। बीबी थी, करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी। दिस आर ऑल द होली प्लेस ऑफ मुस्लिम, एक तरह से रिलीजियस के क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ की यात्रा जर्नी करके आई थी। इन होली प्लेस की जो है जर्नी करके आई थी कौन, इफन की परदादी, ओके ना, नॉट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर एक तरह से। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदगा भी जरूर उतारती। बट कोई भी अगर जो है घर से बाहर जाता तो घर के बाहर एक पानी का जो है पॉट रखवाती, क्योंकि किसी को भी कुछ बुरा न हो। इफन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। अब इफन की दादी, ग्रैंड मदर की बात आ रही है, मतलब ग्रैंड मदर यहाँ पर दादी का मतलब होता है एक तरह से फादर की मदर, ध्यान रखिए। इफन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, पाबंद मेरी स्ट्रिक्टली शी इज फॉलोइंग व्हाट, क्या फॉलो करती थी, नमाज, प्रेइंग करना, रोजे मतलब जो है फास्टिंग वगैरह रखना। परंतु जब इकलौते बेटे को, वन एंड ओनली सन को, चेचक जानते हैं आप लोग, चिकन पॉक्स एक तरह से, हाँ, चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो। लेकिन जब उसके वन एंड ओनली सन को क्या हो गया था, चिकन पॉक्स हो गया, तो उसके बेड के पास जो है एक सिंगल लेग पर खड़े होकर उसने प्रेयर करना शुरू कर दिया। किसको, हिंदू माता, जो चेचक या चिकन पॉक्स की जो है माँ मानी, देवी मानी जाती है, गॉड मानी जाती है, उस पे उसको प्रे करने लगी और क्या करने लगी, माता, हाँ माता मतलब है मदर, तो मेरे बच्चों को माफ़ कर दियो, फॉरगिव माय चाइल्ड, बल्कि इस तरह से प्रे करने लगी थी। पूरब की रहने वाली थी, हाँ इस साइड की थी, वो 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। ईस्ट साइड में बोली जाने वाली जो है डायलेक्ट है, जो हिंदी का ही एक रूप होता है। जैसे अभी आपने सुना, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो, तो इस तरह का जो डायलेक्ट है इसे पूर्वी डायलेक्ट कहते हैं। वो पूरब के क्षेत्र में मतलब ईस्ट साइड में एक तरह से बोली जाती है, ध्यान रखिए। और जब वो 9 या 10 या 9 या 10 ईयर्स की थी तभी इसके मैरिज हो गया था, मतलब उनकी दादी के मैरिज होकर कहाँ आई थी, वो लखनऊ आई थी। बट जब तक उनका मतलब जब तक जो है वो जिंदा रही तब तक उन्होंने जो है कौन सी बोली बोली है, पूरब की बोली ही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, हाँ, इनलास की जो मदर टंग थी वो कौन सी थी, उनकी लखनऊ की उर्दू। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, मतलब मायके मतलब जानते हैं आप लोग कि उनके माँ के घर की बात, जहाँ से वो आई थी, है ना, तो उनके मायके की जो भाषा वो अपने जो है साथ लेकर ही आई थी। इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता, ठीक है ना, उनके हाथ के या उनके जो है मन के माइंड की जो भी है ना फीलिंग्स थे वो कोई भी नहीं समझता था। क्यों, क्योंकि उसने मतलब इफन की दादी ने उर्दू नहीं सीखी, वो जब तक रही तब तक उसने किस भाषा का प्रयोग किया है, अपनी पूर्वी बोली का ही प्रयोग किया है। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है।
ठीक है ना। जब बेटे की शादी हुई, मैरिज हुआ अपने सन का, तो वो गाना बजाना, शी वॉन्ट टू इंजॉय, ओके ना, डांसिंग एंड सिंगिंग शी वॉन्ट। बट मौलवी के घर में, एक प्रेस्ट घर में, प्रेस्ट प्रेस्ट मतलब बताया मैंने, मुसलमान मतलब मस्जिद में नमाज वगैरह वो करने वाले जो है, एक तरह से गुरु, धर्म गुरु कहा जाते, रिलीजियस प्रेस्ट थे, तो उनकी फैमिली में सारे लोग उसी तरह का जो है एक तरह से काम करते थे, इसलिए नॉट अलाउड, मतलब ये सिंगिंग डांसिंग हाँ और नॉट अलाउड इन देयर फैमिली। बेचारी दिल महसूस कर रही, अपसेट होकर रह जाती थी। हाँ, इफ्फन की छठी पर, छठी मतलब जो है जन्म के छठवें दिन पर, मतलब इफ्फन जब पैदा हुआ, हाँ, आफ्टर द बर्थ ऑफ सिक्स्थ डे, वहाँ पर एक सेलिब्रेशन किया जाता है, उस सेलिब्रेशन को छठी कहा जाता है। छठी में उन्होंने जी भर कर जश्न किया, लॉट ऑफ उन्होंने जो है क्या इंजॉय किया इफ्फन के बर्थ पर। बात यह थी कि इफ्फन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। इफ्फन कब पैदा हुआ था? दादा के मरने के, आफ्टर ग्रैंडफादर के डेथ के बाद जो है कौन जन्मा था, किसका बर्थ हुआ था? इफ्फन का। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ्फन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। तो जो डिफरेंस एक तरह से वुमेन और जो एक तरह से मैन में किया जाता है, उसको ध्यान में रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, ओके ना। वाई? क्योंकि इफन जो है जो पैदा हुआ था जिस घर में, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वे लोग, द फैमिली इज प्राइस्ट भी है, प्राइस्ट फैमिली, ओके ना। वो मस्जिद में एक तरह से मस्जिद में एक तरह से नमाज वगैरह आदि के जो है काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो इस तरह से फॉलो करना, स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करना जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।